सप्तमी और सप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर में प्रिपरेशन करने के लिए। मम्मी ऑलरेडी जा चुकी है। चलिए मंदिर में अभी चलते हैं और अभी ना खोला बहू जो है ना वो उनको स्नान के लिए लेके जाते हैं सप्तमी के लिए। सो अभी वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए अब ये देख सकते हो ये जगह पूरा गोबर से लेपा गया है। अभी यहीं से कोलाबो को नहाने के लिए लेके जाएंगे। सो पूरा गोबर है थोड़ा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं और मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ये मेरे ससुराल का दुर्गा पूजा है। तो मेरे ससुराल में किस तरह से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं, तो वही छोटे छोटे से क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर सप्तमी की सुबह के जो पूजा होती है उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे देखिए 4 थाल ऐसे सजाया गया है जिसमें फल का प्रसाद रखा गया है और ये चावल के छोटे छोटे से जो घर जैसे बनाए जा रहे हैं ना, तो इसको नोइबिद्धो बोलते हैं। इसके 3 थाल बनाए जाते हैं और उसके ऊपर से केले, छोटे छोटे से केले काट के ऊपर से रखा जाता है और लास्ट में सब थाल पे ना थोड़ी थोड़ी सी चीनी छिड़की जाती है। सो देखिए ये पूरी तैयारी हो गई है भोग की। और मेरे ससुराल में ना पूरी और हलवा का भोग लगता है और फल प्रसाद का भोग लगता है। तो यहाँ पे भोग का प्रिपरेशन हो गया है, प्रसाद का प्रिपरेशन हो गया है। यहाँ पे अभी आलपोना दिया जा रहा है। रिचुअल आपने देखा ना, इसको नवप्रतिका स्नान के लिए यानी कोलाबो स्नान के लिए ले जाया जाता है। और इस जो पान रखा गया है ना, पान और सुपारी, इसी पान और सुपारी के ऊपर से कोलाबो को पार किया जाता है। और ऐसे लोटे से पानी दे दे के घर की बहुएं जो भी है, जैसे मैं हूँ और मेरी जेठानी है, तो कोई भी ये कर सकते हैं। सो ऐसे लोटे से पानी गिराया जाता है और इसी तरह से नवप्रतिका जैसे ही आती है, मंदिर में प्रवेश करती है ना, सो वो पान के ऊपर से ऐसे पैर रख के प्रवेश करती है और वो पान हम लोगों को बाद में मिलता है। Few moments later. तो अभी यहाँ पे ये सजावट का काम चल रहा है। लाइटिंग का काम कल हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी ये फ्लावर डेकोरेशन का काम चल रहा है और वो अभी बाकी है लगाना। पता नहीं वो कहाँ पे लगाएंगे। लाइटिंग का काम हो गया ऑलमोस्ट। आज भर शाम तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं पुष्पांजलि के लिए नीचे उतरी हूँ ना, तो सुबह जो भी पूजा पाठ था वो हो गया है। अभी पुष्पांजलि देने के लिए मैं नीचे आई हूँ। पुष्पांजलि देने के बाद जाके कुछ थोड़ा खाऊंगी, बट जो भी खाना हो रहा है ना, हम लोग जो खाएंगे वो सब वेज। प्याज लहसुन कुछ भी नहीं चल रहा है बिकॉज पूजा चलती है घर पे, तो प्याज लहसुन कुछ भी नहीं। दसवीं के बाद ही हम लोग खाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, आपको यहाँ पे अगर आप आलू चॉप या समोसा भी खाते हो ना, तो भी आपको वो वेज मिलता है, उसमें प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो पापा समोसा लेके आए थे, तो अभी पुष्पांजलि देने के बाद समोसा खाऊंगी। उसके बाद मम्मी दोपहर का खाना बना रही है। श्रेयान मेरे साथ ही घूम रहा है, उसके पापा घर पे है, आएंगे कुछ देर में, उतरेंगे वो भी नीचे। सब कोई पुष्पांजलि का ही वेट कर रहा है और बाहर के सब आते हैं ना दर्शन करने के लिए माँ के, तो सब आते हैं बाहर से दर्शन करने के लिए। ये हम लोगों का शिव मंदिर है, आपको किसी और दिन दर्शन करवाऊंगी। ये हम लोगों का शिव मंदिर है और ये दुर्गा मंदिर।
सो हमारे घर की मूर्ति जो आती है ना, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूँ। सो हमारे घर पे ढाकेर साज की मूर्ति आती है, मतलब ये जो वाइट कलर का जो भी काम थर्माकोल का काम किया हुआ था ना, इसको ढाकेर साज बोलते हैं। और सप्तमी के दिन मेरा लुक कुछ इस तरह का था, मैंने एक सिंपल सा पर्पल बॉर्डर वाली एक साड़ी पहनी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने ये साड़ी आप लोगों से पहले भी शेयर की थी और हल्का सा ही मेकअप था और एक सिंपल सा झुमका डाला हुआ था। मुझे ये साउथ इंडियन झुमका ना बहुत पसंद है। उसके बाद अभी पुष्पांजलि चल रही है, सो सबने पुष्पांजलि दिया, उसके बाद हम लोग सब चले गए ऊपर और यहाँ पे पूजा पाठ अभी चलते रहेगा। और सप्तमी के दिन थोड़ा लेट होता है पूजा शुरू होने में, और जैसे जैसे ही आगे बढ़ते जाती है ना पूजा, मतलब अष्टमी आते जाता है, नवमी आते जाता है, कैसे पार हो जाता है पूजा पता ही नहीं चलता है। अष्टमी और नवमी तो मतलब कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाती है। सो अभी मैं शाम के समय आप लोगों से मिल रही हूँ, भोग प्रिपेयर करना है अभी। और ये जो रूम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये मेरी दादी सास का रूम है। सो काफ़ी पुराना है और इसी रूम में पूजा की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई होती है। दुर्गा पूजा मेरे ससुराल में होती है, काली पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है और सत्यनारायण पूजा भी होती है। तो सारी चीज़ें ना यहीं पर रखी हुई होती है। और ये जो है ना, ये मेरी ननंद है, बड़े ससुर जी की बेटी, तो हम दोनों मिल के ही भोग प्रिपेयर करेंगे। संध्या आरती हो गई है और माँ को पूड़ी और हलवे का भोग भी लग गया है। हमारे घर पे पूड़ी और हलवे का ही भोग लगता है माँ दुर्गा को। और भोग लगने के कुछ ही देर के बाद ना हम लोग वेट करते रहते हैं कि हमें कब प्रसाद मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो प्रसाद होती है ना बेस्ट होती है। आप घर में जितनी भी पूड़ी और हलवा बना लो बट इसके जैसा टेस्ट नहीं मिलता है। सो हम लोग सब मिलके यहाँ पे देखिए प्रसाद इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ना शाम को कुछ फंक्शन है, यहाँ पे जागरण का कुछ फंक्शन रखा गया है, तो वही बैठ के हम लोग यहाँ पे जागरण का फंक्शन भी इंजॉय कर रहे हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सोचा तो था कि ब्लॉग एंड कर दूंगी बट जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी जागरण में। और बहुत से आर्टिस्ट आए हुए थे जो एक एक बार करके कृष्ण बन रहे थे, हनुमान जी बन रहे थे, और लास्ट में फाइनल में ना एक महिषासुर वध दिखाया जा रहा था। सो मैं तो घर पे आ गई थी बट मैं खिड़की से देख रही थी क्योंकि मैं आप खुद को रोक नहीं पा रही थी इस चीज़ को देखने के लिए, बट नीचे भी जा नहीं पा रही थी क्योंकि ऑलरेडी मैं ड्रेस चेंज कर चुकी थी। सो नीचे जाने का एकदम मन नहीं कर रहा था, लेकिन खिड़की से देख रही थी और जितना देखा, जितना कैप्चर हुआ उतना आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है।
सो गाइस, जागरण तो ख़त्म हो गया बट हम लोग रात को बैठ बैठ के कार्ड बना रहे थे. हमारे घर पे बहुत ही जल्द किसी की शादी है. किसकी शादी है ये आपको बहुत ही जल्द मेरे वीडियो पे पता चल जाएगा. अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.